आईपीएल अब कुछ ही दिन दूर है। आईपीएल का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले ही हर दिन कुछ न कुछ खबर सामने आई जा रही है। जी हाँ, अब एक बार फिर आईपीएल शुरू होने से पहले एक बुरी खबर सामने आ रही है। आईपीएल के मैच अब कुछ ही दिन दूर है, लेकिन खिलाड़ियों को चोट लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको चोट लग गई है। यह खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के लिए दाएं हाथ की तरह है। इसको चोट लगने के बाद से एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एंड्रिक नॉर्चिया। आपको बता दें कि टीम के स्टार तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्चिया चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एंड्रिक का आईपीएल में खेलना काफी मुश्किल है। वो चोट की वजह से नवंबर से ही ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि जब तक मेडिकल टीम उन्हें इजाजत नहीं देती तब तक वे खेल के लिए शायद मौजूद नहीं रह सकते हैं। दरअसल बात यह है कि नॉर्चिया कूल्हे की चोट से जूझ रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी अफ्रीका टीम में जगह नहीं मिली है। अब अगर वह आईपीएल में नहीं खेलते हैं तो यह दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा झटका होगा। बता दें कि दिल्ली की टीम ने आईपीएल 2022 के लिए एंड्रिक को 6.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। अभी तक आईपीएल के 24 मैच में उन्होंने 36 विकेट चटकाए हैं। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम ने अपने खिलाड़ियों की चयन की घोषणा कर दी है। एंड्रिक नॉर्चिया और सिसंडा मगाला के अलावा सभी प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 3 मैचों की सीरीज 18 से 23 मार्च तक सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग में खेली जानी है। आईपीएल शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले ही यह सीरीज समाप्त होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के लिए चुने गए खिलाड़ी आईपीएल के शुरुआती मैच शायद ही खेल पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम में 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आईपीएल में भाग लेने वाले हैं, जिसमें कि कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, रेसी वॉन, डेविड मिलर, क्विंटन डीकॉक, एडन मार्क्रम, ड्वेन प्रेटोरियस और मार्को यानसन शामिल हैं। जी हाँ, ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएंगे, और अगर ये खिलाड़ी अपने समय से वापस नहीं आ पाते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती कुछ मैचेस ये मिस कर दें। अब सवाल ये है कि दिल्ली कैपिटल्स अपनी टीम में नॉर्टिया की जगह किसको खिलाएगी, क्योंकि जहां तक उम्मीद है एंड्रिक दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में फिट बैठते हैं। ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, एंड्रिक की जगह कौन सा खिलाड़ी उनकी जगह फिट बैठने वाला है और कौन सा खिलाड़ी जो है उनकी जगह पर अपना एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।